हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और दिस इज द लोगो ऑफ द चैनल, माई सेल्फ जेपी सिंह। दिस इज द थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे थे डिटेल्स, सिलेबस एंड रेफरेंसेज फॉर द असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट एग्जाम 2018। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने इस वीडियो सीरीज के पहले पार्ट में बात की थी फर्स्ट 6 पार्ट के बारे में, सिलेबस के अप टू दिस मेटामॉर्फिक पैथोलॉजी। और सेकेंड पार्ट में हमने बात की थी अप टू इकोनॉमिक जियोलॉजी सिलेबस। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से इनको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ सिलेबस, इंक्लूडिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, एनवायरमेंटल जियोलॉजी, अर्थक्वेक जियोलॉजी, मैराइन जियोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। और ये जो सारा जो सिलेबस है, दैट इज द पार्ट ऑफ अप्लाइड जियोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट। तो मिनरल एक्सप्लोरेशन के अगर सिलेबस की हम बात करें, तो इसमें है बेसिक डेफिनेशंस, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव एंड प्रेजेंट सिनेरियो इन इंडिया, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मेशन इन रिलेशन टू एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटजीज, प्रिंसिपल्स ऑफ मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन, कंसेप्चुलाइजेशन, मेथोडोलॉजी एंड स्टेजेस, सैम्पलिंग, सरफेस एंड सबसरफेस सैम्पलिंग इंक्लूडिंग पीटिंग, ट्रेंचिंग एंड ड्रिलिंग, कोर एंड नॉन कोर ड्रिलिंग, प्लानिंग ऑफ बोर होल, लोकेशन ऑफ बोर होल ऑन ग्राउंड, कोर लॉगिंग, जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन, नेचर ऑफ सैंपल्स, एनोमलीज, स्ट्रेंथ ऑफ एनोमली एंड कंट्रोलिंग फैक्टर्स। मिनरल एक्सप्लोरेशन का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिटेल है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा इसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ ओर रिजर्व एस्टिमेशन, डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी ऑफ रिजर्व एस्टिमेशन, रिजर्व एस्टिमेशन बेस्ड ऑन जियोमेट्रिकल मेथड्स, स्क्वेयर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर एंड पॉलीगोनल ब्लॉक्स, रेगुलर एंड इरेगुलर ग्रिड पैटर्न, स्टैटिस्टिक्स एंड एरर एस्टिमेशन, एप्लीकेशन ऑफ जियोफिजिकल टेक्निक्स, जियोमोर्फोलॉजिकल एंड रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, जियोबोटनिकल एंड जियोकेमिकल मेथड्स, अलोंग विद एप्लीकेशन ऑफ जियोस्टैटिकल टेक्निक्स इन मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो ये था सिलेबस मिनरल एक्सप्लोरेशन का। और मिनरल एक्सप्लोरेशन की अगर रेफरेंसेज की हम बात करें, तो मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जो बेसिक बुक है, That is Principles and Practices by S.K. Helder। इस बुक से आप बेसिक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अगर आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं और अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो दिस बुक इंट्रोडक्शन टू मिनरल एक्सप्लोरेशन बाई मून एंड इवांस विल बी द वेरी गुड ऑप्शन, एंड जियोलॉजिकल मेथड इन मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग बाई रोजर मेजरी बैंक, दिस इज ऑल्सो गुड बुक फॉर द सिलेबस। एंड इसके अलावा आप इंटरनेट की हेल्प ऑब्वियसली ले सकते हैं। अब अगर इंजीनियरिंग जियोलॉजी की मैं बात करूं, तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी के सिलेबस में एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ रॉक मैकेनिक्स एंड सोयल मैकेनिक्स, साइट इन्वेस्टिगेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉर डैम, रिजर्वायर, स्पिलवेज, टनल, ब्रिजेस, हाईवेज, श्योर लाइन्स, प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, रिसोर्स इवेल्युएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जियोलॉजिकल हैजार्ड्स, कॉजेज, प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन, रिसेंट ट्रेंड इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल केस स्टडी ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ द इंजीनियरिंग जियोलॉजी फॉर दिस एग्जाम। एंड रेफरेंसेज की अगर हम बात करें, तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी में बेसिक कंसेप्ट्स को समझने के लिए फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी बाय टोनी वेल्थम, दिस इज वेरी गुड बुक। ये तकरीबन 150 पेज की बुक है, तो यहाँ से आप बेसिक कंसेप्ट समझ सकते हैं। और एडवांस पढ़ने के लिए जियोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स बाय ब्लिथ एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी बाई एफ जी बैल आर द गुड ऑप्शन। इसके अलावा इंटरनेट तो आपके पास है ही। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, दैट इज इन्वायरमेंटल जियोलॉजी। इन्वायरमेंटल जियोलॉजी के सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, इट्स स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड एम्स, अर्थ, थर्मल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट्स, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, आइस शीट एंड फ्लक्चुएशन इन सी लेवल, कंसेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, अर्थ मेजर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, मेट्रियोलॉजी एज इन्वायरमेंटल साइंस, एयर पॉल्यूशन, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ड्यू टू डस्ट एंड वेस्ट डिस्पोजल, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल हेल्थ हैजार्ड, माइनिंग, ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट, डंपिंग, स्टैकिंग, रीहैंडलिंग एंड मैनेजमेंट, मिनरल प्रोसेसिंग, एसिड माइन, ड्रेनेज, सिल्टेशन,
natural hazards, preventive measures, floods, landslide, earthquake, river and coastal erosion. So this is the syllabus for the environmental geology. अब अगर इसके references की अगर मैं बात करूँ, this environmental geology by A. Keller, Edward Keller, this is very famous book for the environmental geology. इसके अलावा आप environmental geology today, ये एक recent book है environmental geology की, ये भी आप follow कर सकते हैं by Robert L. McConnell and D. C. Abel. और environmental geology की जो third book है, जो Indian context को जो focus करती है, वो जियोलॉजी कुल के जो आदरणीय पद्म विभूषण प्रोफेसर श्री के एस वालदिया जी की बुक है इन्वायरमेंटल जियोलॉजी के टाइटल से. तो ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज द अर्थक्वेक जियोलॉजी. अर्थक्वेक जियोलॉजी की अगर सिलेबस की हम बात करें तो काफी लिमिटेड सा सिलेबस में है. डिस्ट्रीब्यूशन, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स, इट्स कॉजेज, प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन, न्यू टेक्टोनिक्स एंड सेस्मिक हैजार्ड असेसमेंट, प्रिपेरेशन ऑफ सेस्मिक हैजार्ड मैप्स, इम्पैक्ट ऑफ सेस्मिक हैजार्ड ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंट कंडीशंस, सेस्मिक बेल्ट्स ऑफ अर्थ, सेस्मिसिटी एट प्लेट बाउंड्रीज. सो दिस इज द सिलेबस फॉर द अर्थक्वेक जियोलॉजी एंड सेस्मोटेक्टोनिक्स. अब अगर इसके रेफरेंसेज की हम बात करें तो अर्थ शेकिंग साइंस, व्हाट वी नो एंड डोंट नो अबाउट अर्थक्वेक बाय सुसान ई ह्यूज, ये वाली बुक आप फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी बाय एनसी केसा उलू, इस बुक में भी जो है अर्थक्वेक के बारे में दिया हुआ है, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके इंजीनियरिंग जियोलॉजी में भी काम आएगी. तो इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा आप इंटरनेट की हेल्प से जो रिसेंट डाटा अर्थक्वेक्स के बारे में देख सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज मैराइन जियोलॉजी. तो मैराइन जियोलॉजी का अगर सिलेबस हम देखें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ओरिजिन ऑफ ओशियंस, स्ट्रक्चर एंड जियोलॉजिकल सेटिंग ऑफ ओशियन, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड ओशियन सिस्टम, ओशियन मॉर्फोलॉजी, मैराइन स्टेटिग्राफी, ओशनिक क्रस्ट, हीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एजेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट, स्ट्रक्चर, ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न, ओशनिक करंट, सरफेस एंड डीप सर्कुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैराइन एनवायरनमेंट, सी लेवल हिस्ट्री, जियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द बॉटम करंट, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक सेडिमेंट्स एंड माइक्रोफोसिल्स, एरिजिनस, बायोजिनस एंड ओथिजेनिक सेडिमेंट्स, कैलकेरियस एंड सिलिसियस माइक्रोफोसिल्स, केमिकल सेडिमेंट्स, कार्बोनेट, सिलिकेट, इक्विलिब्रिया, मैराइन बायोकेमिस्ट्री. सो दिस इज द सिलेबस फॉर द मैराइन जियोलॉजी. इसके रेफरेंसेज की अगर मैं बात करूं, अगर आपने मैराइन जियोलॉजी पीजी लेवल पे नहीं पढ़ी है तो आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू मैराइन जियोलॉजी बाई एम जे कीन. ये छोटी सी बुक है, बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. इसके अलावा जो मैराइन जियोलॉजी के लिए जो फेमस बुक है दैट इज द एसेंशियल्स ऑफ ओशिनोग्राफी बाई टॉम गैरिसन, ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं. और इसके अलावा आप मैराइन जियोलॉजी बाई जेपी केनेट, ये भी आप यूज कर सकते हैं. और इसके अलावा इंटरनेट तो आपके पास है ही. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की दैट इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स. तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का भी जो सिलेबस है वो काफी लिमिटेड सा सिलेबस है. तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना आपको, बेसिक कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस, रिमोट सेंसिंग डाटा इंटीग्रेशन विद जीआईएस, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ट्रेंगुलर इरेगुलर नेटवर्क दैट इज TIN मॉडल, एप्लीकेशन ऑफ GIS इन वेरियस जियोलॉजिकल स्टडीज एंड वेक्टर मोड ऑपरेशंस. तो रास्टर एंड वेक्टर डाटा के बारे में आपको पढ़ना है, क्या उसके फॉर्मेट होते हैं और उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, इट्स एप्लीकेशन इन अर्थ साइंसिस. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स. अब अगर रेफरेंसेज की हम बात करें तो जो बेसिक बुक है दैट इज द बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS बाय एस कुमार. नेक्स्ट इज GIS फंडामेंटल्स एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय इलांगोवान, दिस इज आल्सो गुड बुक. एंड थर्ड वन इज द कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय CP लो एंड KW वोंग, दिस इज आल्सो वेरी गुड बुक, आप ये भी रेफर कर सकते हैं. और इसके अलावा जियो इन्फॉर्मेटिक्स का इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा मटेरियल जो है अवेलेबल होता है, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं सिलेबस को.
अब अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजी। अगर हम जो पिछले कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट जो हुआ था यूपीएससी के द्वारा 2016 में, उसमें सिलेबस जब उन्होंने डाला था तो उसमें हाइड्रोलॉजी मेंशन नहीं किया था, बट जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने हाइड्रोलॉजी इसमें इंक्लूड किया है। तो हाइड्रोलॉजी के बारे में बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए हाइड्रोलॉजी के, तो वो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसमें है ओरिजन, ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, टाइप्स ऑफ वाटर, मीटियोरिक, जुवेनाइल, मैग्मेटिक एंड सी वाटर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड इट्स कंपोनेंट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जोन ऑफ एरिएशन, जोन ऑफ सेचुरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर वाटर बीरिंग प्रॉपर्टीज, एक्वीफर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वीफर्स, एक्वीफर पैरामीटर्स दैट इज ट्रांसमिसिविटी एंड स्टोरेज कोफिशियंट, ग्राउंड वाटर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, थ्योरी ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो, डार्सी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ परमिबिलिटी इन लेबोरेटरी एंड इन फील्ड, जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल मेथड्स ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट यूजेज, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एक्वीफर मैनेजमेंट। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ हाइड्रोलॉजी। और अगर रेफरेंसेज की हम बात करें तो हाइड्रोलॉजी के लिए जो कॉमन बुक पीजी लेवल पे जो स्टूडेंट रेफर करते हैं दैट इज ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी बाय डीके टोड। बट डीके टोड के केस में कई बार ऐसा रहता है स्टूडेंट्स को लैंग्वेज जो है थोड़ी सी समझ नहीं आती है, तो वो अप्लाइड हाइड्रोलॉजी बाय CW फैटर भी रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा इंटरनेट की हेल्प से आप जो है हाइड्रोलॉजी का सिलेबस कवर कर सकते हैं। और जो भी रेफरेंस बुक्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा ताकि आप उनको ऑनलाइन रिव्यू कर सकें। दैट्स अबाउट द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो पिछला पेपर हुआ था कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016 में जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया था असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए, उसको हम रिव्यू करेंगे कि किस लेवल का एग्जाम वो आता है और किस लेवल तक आपको इस सिलेबस को कवर करना है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो स्टे कनेक्टेड। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, JP बनवाला के नाम से मेरी आईडी है। यहाँ पे मैं सिलेबस की PDF और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, बट उसका रीज़न ज़रूर मेंशन करें ताकि हम जो है चैनल को इम्प्रूव कर सकें। अगर आप इसी तरीके की एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए भी ज़रूरी है इस चैनल के केस में क्योंकि पिछली वीडियो में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं है कि वीडियो कब आएगी, तो ये इरेगुलर पैटर्न रहता है। तो जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।